हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं जो रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एसएससी एमटीएस के लिए भी ग्रुप डी और सी लेवल तक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे ये क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए और टेस्ट में देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ? तो ऑप्शन पहला है 1937 से 1942, दूसरा है 1938 से 1942, तीसरा 1939 से 1945, या फिर चौथा 1940 से 1945। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 से 1945। 1939 में शुरू हुआ था और 45 में समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई गई थी? ऑप्शन पहला जापान, दूसरा बर्मा, तीसरा मलावा, या फिर चौथा सिंगापुर। तो आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है सिंगापुर। इसका राइट आंसर सिंगापुर है। और आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा है, सीसा युक्त पेट्रोल में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन पहला लेड नाइट्रेट, दूसरा टेट्राफिनाइल लेड, तीसरा लेड क्लोराइड, या फिर चौथा टेट्रा इथाइल लेड। तो सीसा युक्त पेट्रोल में इनमें से क्या एक होता है, राइट आंसर बताइए। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड। प्रश्न नंबर चार है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था? ऑप्शन पहला मुबारक शाह, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा सिकंदर लोदी, या फिर चौथा बहलोल लोदी। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। प्रश्न नंबर पांच है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है? पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लैटेराइट मिट्टी, या फिर चौथा पॉडजोल मिट्टी। तो कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से हो सकती है आपको पता होगा, राइट आंसर बताइए। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर छह है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? ऑप्शन पहला फल, दूसरा पुष्पक्रम, तीसरा वृक्ष, या चौथा कलिका। तो फूल गोभी का क्या कौन सा ऐसा पार्ट है जो खाया जाता है? तो वो पुष्पक्रम होता है, जो फूल भी बोलते हैं, जो गुद्देदार होता है उसी को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। तो फूल गोभी का खाने योग्य पार्ट पुष्पक्रम है, राइट आंसर पुष्पक्रम हो जाएगा। प्रश्न नंबर सात है, जापान का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन याकोहामा, दूसरा ओसाका, तीसरा इनाबागुन, या फिर चौथा यावाता। तो जापान का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यावाता। यावाता को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं। प्रश्न नंबर आठ है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता, या फिर चौथा उपराष्ट्रपति। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, राइट आंसर बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर नाइन है, प्रोटीन निम्नलिखित में से किस अम्ल से एकत्रित होती है? पहला नाइट्रस अम्ल, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा फॉर्मिक अम्ल, या फिर चौथा आयोडिक अम्ल। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल से प्रोटीन एकत्रित होती है। प्रश्न नंबर 10 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है? पहला कैल्शियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा मैग्नीशियम, या चौथा आयरन। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन है इनमें से, राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 11 है, विटामिन बी की कमी से होता है। पहला ऑप्शन स्कर्वी, दूसरा डर्मेटाइटिस, तीसरा फाइनोडर्मा या फिर चौथा बेरी बेरी। तो विटामिन बी की कमी से ये रोग पूछ रहा है, कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। प्रश्न नंबर 12 है, डीपीटी का टीका बचाव करता है। पहला टिटनेस, दूसरा काली खांसी, तीसरा डिप्थीरिया या फिर चौथा सभी। तो डीपीटी का टीका इन तीनों के लिए लगवाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी। आइए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 13 है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित रहता है? पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर या चौथा आयनोस्फियर। तो ओजोन परत कहाँ पे अवस्थित रहता है, राइट आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर परत पे अवस्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, अल्जाइमर नामक रोग संबंधित है आंख से, गुर्दे से, मस्तिष्क से या फिर चौथा ऑप्शन है कान से। तो राइट आंसर बताइए, अल्जाइमर कहाँ से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर मस्तिष्क से, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 15 है, शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? पहला गुर्दा, दूसरा अग्नाशय, तीसरा जिगर या चौथा पित्ताशय। तो इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है, राइट आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, यह एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथ है, तो राइट आंसर आप अग्नाशय मारिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, जब बर्फ पिघलती है तो पहला आयतन बढ़ता है, दूसरा आयतन घटता है, तीसरा आयतन समान रहता है या चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब बर्फ पिघलेगा तो इनमें से क्या होगा, राइट आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा घटता है, आयतन घटेगा उसका जब बर्फ पिघलेगी। तो प्रश्न नंबर 17 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। ऑप्शन पहला आंग सुंग, दूसरा बछेंद्री पाल, तीसरा जुको ताबेई या चौथा योको ओनो। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसका जुको ताबेई। और यदि भारत का पूछेगा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? पहला रुपया, दूसरा युआन, तीसरा येन या चौथा बहत। तो थाईलैंड की मुद्रा को क्या बोला जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बहत। बहत बोला जाता है, वहां की मुद्रा बहत होती है। प्रश्न नंबर 19 है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग होता है। ऑप्शन पहला पंचायत समिति, दूसरा ग्राम पंचायत, तीसरा जिला परिषद या चौथा सभा समिति। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, राइट आंसर ग्राम पंचायत। आइए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 20 है, राज्यसभा कब भंग होती है? ऑप्शन पहला 5 साल बाद, दूसरा 6 साल बाद, तीसरा 4 साल बाद या चौथा कभी नहीं। तो गेस कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यह एक अस्थायी सदन है। लोकसभा भंग की जा सकती है मगर राज्यसभा भंग नहीं होती। आइए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 21 है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? पहला बैरोग्राफ, दूसरा क्रोनोग्राफ, तीसरा क्रिस्कोग्राफ या चौथा सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने का क्या है इसमें से राइट आंसर बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। प्रश्न नंबर 22 है, हीरा कुंड बांध स्थित है?
मेघालय, दूसरा ओडिशा, तीसरा आंध्र प्रदेश या चौथा पश्चिम बंगाल। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। राइट आंसर ओडिशा, हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है। प्रश्न नंबर 23 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला 11 जुलाई को, दूसरा 10 नवंबर को, तीसरा 5 सितंबर को या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विश्व जनसंख्या दिवस राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? पहला काजीरंगा, दूसरा गीर, तीसरा चंद्रप्रभा या चौथा पेरियार। तो हाथियों के लिए पेरियार अभयारण्य जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ये पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है, तो केरल आप लोग ऑप्शन ढूंढिएगा, केरल पे टिक कर दीजिएगा। केरल के इडुक्की कोट्टायम में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग होता है? पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु या चौथा महाराष्ट्र। तो पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किस स्टेट से है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो आज की टेस्ट सीरीज दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। जितने भी लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उनको पता होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहते हैं, खास करके ग्रुप डी की वैकेंसी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।